देखो मोदी जी, मैं ईंटे की पथाई सही कर रहा हूँ क्या? आज तुम चेक कर लो, आगे से कभी दिहाड़ी मेरी मत काटना, क्योंकि तुम पिछली बार तुमने 250 रुपये मेरे काट लिया था तनख्वाह से। अब की बार तो बिल्कुल नहीं तुम्हें काटना है। देखो अच्छे से काम कर रहा हूँ, ईंटे की पथाई बहुत अच्छे से कर रहा हूँ। आज अगर तुम मेरी सियावसी नहीं किया तो मैं समझ जाऊँगा तुम तो मुझे बेफर्जी पनाह करते रहते हो। और अगर अच्छा काम कर रहा हूँ तो कम से कम मुझे सियावसी दे के जाना। आज मुझे पैसे ज़्यादा मत देना, लेकिन सियावसी जरूर देना। अखिलेश देखो कुछ मेहनत कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये तो ऐसे माटी इकट्ठा करके दे देता है मुझे, मैं काम करता रहता हूँ। देखो मोदी, सही कर रहा हूँ ना, बताओ कुछ हमको। वाह मेरे शेर योगी वाह, क्या तुमने ईंटा की पथाई करा है। ऐसे ही ईंटा पथाई करने वाले मुझे 10 मिल जाए ना, तो मेरा भट्टा क्या 10 भट्टे पूरे चलेंगे, पूरे के पूरे। तुम तो बहुत अच्छा काम कर रहे हो, आज तुमने जो काम किया है इसके लिए तुम्हें अवार्ड मिलना चाहिए, और बिल्कुल मिलेगा, तुम पक्का, तुम इसके लिए बिल्कुल भी संकोच मत करना, तुमके अवार्ड मिलेगा पक्का। काम तुम्हारा मुझे पसंद आया, अब इस काम पे मैं इतना खुश हूँ कि तुम्हारे जो 250 रुपये मैंने पिछली बार काट लिया था ना, वो सारे के सारे पैसे तुम्हें वापस करने का मैं वादा करता हूँ। मैं वादे का बहुत पक्का आदमी हूँ, अपना वादा कभी मैं निष्फल नहीं जाने देता हूँ। तो इसलिए तुम ऐसा करना कि तुम्हारा 250 रुपये तुम्हारे खाते में मैं अगले मंगलवार को और 35 तारीख को भेज दूंगा, ठीक है? 30 तारीख को लगाता हूँ, 35 को पैसे आ जाते हैं मेरे पूरे के पूरे। लेकिन अखिलेश तुम कैसे काम कर रहे हो, तुम भी अपना कुछ काम मुझे बताओ। जी मोदी जी, देख लीजिए आपके नज़र में है, मैं भी बहुत मेहनत करता हूँ, जितने ईंटे में मिट्टी बनाता हूँ उतना ही योगी जी उधर डाल करके रख देते हैं। सारा मेहनत आपके नज़र के सामने, मैं क्या कह सकता हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ, जब आप सारा काम देख ही रहे हो तो मैं क्या कह सकता हूँ। अगर काम अच्छा है तो सियावसी मेरा भी कर देना। भाई लोग वीडियो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब। क्यों मोदी जी, अच्छा बिजनेस कर लिया ना हम लोगों ने, अच्छा बिजनेस चल रहा है एकदम। मैं तो कभी कभी 10 रुपये का एक प्लेट लगाता हूँ मसालेदार चाट, और कभी कभी क्या करता हूँ, नींबू नहीं होता है तो पानी और नमक मिला करके मैं डिब्बे में भर लेता हूँ, वही डाल देता हूँ। मैं तो जुगाड़ से काम कर लेता हूँ, कभी कभी तो नींबू खरीदता भी नहीं हूँ, मेरे पैसे बच जाते, अच्छी खासी दिहाड़ी हो जाती। ये बताओ अखिलेश, क्या तुम्हारी भी दिहाड़ी सही से हो जाती है क्या? तुम तो बहुत सारा पैसा खर्च करते हो, बहुत स्पेशल चाट लगाते हो, मैं तो ऐसे ही लगाता रहता हूँ, हमारी दिहाड़ी तो कंप्लीट, बाकी दूसरे का कोई पता नहीं। ये बताओ अखिलेश, तुम्हारा कैसे चल रहा है आजकल काम धाम? अरे क्या योगी जी, हमारा मजाक उड़ा रहे हो? अरे हमारा मजाक कहे उड़ा रहे हो? अरे मजाक करो किसी से, बराबरी वाले से। अरे हमारे पास तो प्लेट ख़त्म हो जाता है तो मैं कागज़ ले आता हूँ, कागज़ में चाट लगा के दे देता हूँ, पर प्लेट लेके नहीं आता हूँ। मुझसे ज़्यादा पैसा तो कोई बचा ही नहीं सकता, मैं तो कापी किताबें पुरानी रखी रहती है उसी में चाट लगा के बेच देता हूँ। अरे बात ये रही कि हमारे पास इस समय मटेरियल बहुत कम है, मोदी जी ने मुझसे 400 रुपये उधार ले लिया था तो अभी तक दिया नहीं, इसीलिए हमारे पास चाट थोड़ा कम है और कम कमा पाता हूँ। ये मोदी जी बहुत ही यार कंजूस आदमी, पैसे जल्दी देते नहीं हमारे। अरे अखिलेश ले लेना अपना पैसा, सारा का सारा तुम्हारा पैसा मैं दे दूंगा, लेकिन बार बार ये ताने मत मारो कि हमारे 400 रुपये मोदी जी नहीं दे रहे। अरे ले लेना, अगले मंगलवार को मैं तुम्हारे सारे पैसे दे दूंगा, ये बताए दे रहा हूँ, लेकिन आगे से कुछ भी मत बोलना। हमारे 8000 रुपये राहुल ने रखा है तो अभी नहीं दे रहा तो मैं तो कुछ नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन राहुल तुम सुन लो, सारे पैसे हमारे वापस करो, हमें अखिलेश के 400 रुपये देने हैं। ये तो बहुत ही ज़्यादा मुझे परेशान कर रहा है, सारा का सारा पैसा तुम मुझे दे ही दो, मैं बताए दे रहा हूं तुम्हें। कोई नहीं मोदी जी, ले लेना, तुम पिछले मंगलवार से मुझसे ले लेना, अगले मंगलवार को अखिलेश को दे देना पैसा, अभी तो मेरे पास है नहीं, अभी चाट बेच रहा हूं, 200 रुपये गुल्लक में डाल रहा हूं, ले लेना आगे चल करके, कोई बात नहीं। भाई लोग वीडियो लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब। क्यों अखिलेश, तुम इतनी देर से यहाँ पे बैठे हो, कुछ काम नहीं कर रहे हो? ऐसे काम करोगे तो कहाँ चलेगा? अगर आपको काम नहीं करना है तो बताओ, तुम लोग ऐसे बैठ रहे हो लग रहा है कहीं पे दावत खाने के लिए आओ, किस लिए बैठे हो, किस बात है, कोई बात हो गई है क्या? तुम लोग बैठे हो, अरे मोदी जी तुम भी बैठो, मोदी जी तुम तो मेन गार्जियन हो, तुम काम के तुम तो ठेकेदार हो, फिर भी ऐसा कर रहे हो। अरे ऐसा करोगे तो ये बिल्डिंग 2 साल के बाद भी नहीं बन पाएगी, क्या करना चाहते हो, काम वाम करना है कि नहीं करना है, हम बताओ। सारे इंजीनियर परेशान और तुम मेन इंजीनियर हो, बताओ तुम बैठो यहाँ पे, किस क्या बात हो गई, कोई नाराजगी है क्या? कोई अगर नाराजगी है तो मुझसे बताओ क्या बात हो गई है।
नहीं लालू जी, कोई बात नहीं हुई है। बात कुछ ऐसी है, मोदी जी ने हम लोगों को काम करने के लिए रोका है। उन्होंने कहा है जब तक मैं ना बोलूं तब तक कोई काम नहीं करेगा। अगर कोई काम नहीं करता है बिना हमारे पूछे, अगर वो काम करेगा तो अपने दिहाड़ी का स्वयं जिम्मेदार होगा। तो लालू जी, जब तक मोदी जी नहीं कहेंगे तब तक मैं तो काम नहीं करूँगा। अब अगर योगी जी करना चाहते हैं तो उनकी अलग बात है। अब योगी जी की क्या बात है, क्या राय है, उनसे जान लीजिए। मैं तो बिना योगी जी और मोदी जी जब तक नहीं बोलेंगे तब तक मैं कोई काम नहीं स्टार्ट करूंगा। अब बताओ, ये बताएंगे सारी बात योगी जी, सारी बातें योगी जी को पता है, यही बताएंगे क्या बात हो गई है। जी लालू जी, मैं सारी बातें बताता हूँ क्या बात हो गई है। मैं बताना चाहता हूँ ये बात कि मोदी जी ने सही कहा है, हम लोगों को दिहाड़ी टाइम से नहीं मिलती, हम लोगों की सैलरी टाइम से नहीं आती, इसलिए मोदी जी ने हड़ताल करके यहाँ पे बैठे हुए हैं। मोदी जी ने कहा है जब तक हम लोगों की सैलरी नहीं आ जाएगी तब तक कंस्ट्रक्शन का बिल्डिंग का काम नहीं शुरू होगा, तो इसीलिए हम लोग बैठे हैं। आप बताओ, कोई बात ये होती कि हम लोगों की सैलरी तीन तीन महीने के रोक लेगा तो हम काम करेंगे क्या? अगर काम करवाना चाहते हो लालू जी तो सारा पैसा भुगतान करो, सैलरी मेरी जितनी भी रह गई है। अभी देखो राहुल तो बिल्कुल नहीं काम करेगा, वो तो हमसे बोल रखा है। लेकिन एक बात बता दूं, काम तो सब करेंगे लेकिन सैलरी आ जानी चाहिए। भाई लोग वीडियो लाइक करो, चैनल